नमस्कारः, अहम अस्मि कैलाश विहारी। हम लोग पिछले 6 क्लास से अनुवाद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृत में राइटिंग सीख रहे हैं। पहले दिन हम लोग देखे संस्कृत अनुवाद के लिए शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय क्या है। हलंत विसर्ग से स्टार्ट हम लोग किए, शब्द रूप का बेस पढ़े। दूसरे क्लास में प्रत्यय पढ़े, प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने हैं। उस दिन हमने कत्वा प्रत्यय भी पढ़ा और उसका प्रयोग भी देखा करके अर्थ में। तीसरे क्लास में हमने देखा तुमुन प्रत्यय, उसका प्रयोग देखे के लिए के अर्थ में। ये दोनों हमारा कृदंत प्रत्यय था जो धातु के साथ लगता था। उसके बाद चौथे क्लास में पुनः हम लोग लकार पर आए। लकार टेंस 5 है, 5 में से हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। इसमें आपको जो मुख्य रूप से याद रखने वो हलंत और विसर्ग कहाँ कहाँ है। लट लकार में 4 जगह आपको याद है, विसर्ग लोट लकार में 2 जगह हलंत है आपको याद है, विसर्ग लोट लकार में कहीं नहीं, लंग लकार में 5 हलंत है, विसर्ग 1 है वो भी आपको याद है, और विधि लिंग में 2 हमारा विसर्ग है और 4 हलंत। तो इस तरह से हमने 4 लकार देखा। उसके बाद कृदंत प्रत्यय भी देखे और उसका अनुवाद में भी हम लोगों ने यूज देखा कि किस तरह से शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय का प्रयोग हो रहे हैं। अब हम लोग आज प्रत्यय में ही तद्धित प्रत्यय देखेंगे। पिछले क्लास में जब मैं विधिलिंग पढ़ा रहा था तो आपको मैंने एक श्लोक बताया था, आप लोग शायद याद भी हो आप लोगों को, उसमें मैंने आपको बताया था लालयेत पंचम वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। वहाँ वति प्रत्यय की मैंने चर्चा किया था। ये वति हमारा तद्धित प्रत्यय है। आज हम लोग तद्धित प्रत्यय के ही तरफ चलेंगे। आपको मैंने पहले क्लास में बता चुका हूँ कि अनुवाद सीखने के लिए कृदंत में हम 14 प्रत्यय पढ़ेंगे, यद्यपि है बहुत, और तद्धित में हम केवल 22 प्रत्यय पढ़ेंगे, तो हमारा अनुवाद का काम चल जाएगा, अर्थात हम लोग अनुवाद सीख जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जो मुख्य रूप से शब्द रूप के समय आपको आवश्यकता होगी, उस समय आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी, ये कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसक लिंग है, तो इस चीज़ को हम लोग एकदम क्लियर करने के लिए प्रत्यय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। आप जानते भी हैं प्रत्यय हमारा सफिक्स होता है, सफिक्स के रूप में देखेंगे आज तद्धित। तो प्रत्यय मुख्य रूप से हमें 2 प्रकार के थे, 3 प्रकार पढ़े थे। स्त्री प्रत्यय की कोई आवश्यकता नहीं अनुवाद में, लेकिन उसको हम लोग बाद में अलग से पढ़ेंगे। अब आप देखिए ये केवल 8 है जो कि हमें अनुवाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम 14 पढ़ेंगे, यहाँ हम 22। 14 में हमने 2 पढ़ लिया, यहाँ अभी हमने कोई भी नहीं पढ़ा, और इसको हम समझ भी चुके हैं कृदंत में कि किस तरह से अनुवाद में उसका प्रयोग हो रहा है। और 2 पढ़ लेने के बाद शेष है उसमें देखिएगा 6-7 है जो कि आपको तुमुन और कत्वा पर ही सेट हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तद्धित प्रत्यय, चलो तुमुन तो समझ गए, कत्वा भी समझ गए, कृदंत बहुत बढ़िया है, 5 लकार भी ठीक ठाक है, अब तद्धित में क्या हम लोग समझ विकसित कर पाएंगे कि नहीं। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग सभी समझ जाएंगे। और हाँ, आप यदि प्रत्येक दिन आ रहे होंगे, प्रत्येक दिन हमें सुन रहे होंगे, प्रत्येक दिन हमें देख रहे होंगे, तो कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। चलिए तद्धित में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तद्धित में मेरे दृष्टि से मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तल प्रत्यय। तल प्रत्यय पढ़ाने के पूर्व थोड़ी सी मैं बात को विषयांतर करना चाह रहा हूँ, अर्थात मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज में यह है कि यदि
जिस प्रत्यय के अंत में जो हमारा बचेगा, यदि विसर्ग रहे, आन शब्द रहे या इन शब्द रहे, ये तीन यदि देख रहे हैं तद्धित प्रत्यय में, तो यहाँ हमारा यह शब्द पुल्लिंग होगा। जिस प्रत्यय के अंत में जो शेष बचेगा आ या ई, बड़ी आ की मात्रा अथवा दीर्घ, ये यदि रह रहा है, बच रहा है शेष, तो उसको हम लोग स्त्रीलिंग समझेंगे प्रत्यय की दृष्टि से। और जिस प्रत्यय के अंत में जो शेष रहेगा, यदि म हलंत रहेगा, तो हमारा नपुंसक लिंग होगा। मतलब यह है कि प्रत्यय के इंड में जिस प्रत्यय का जो शेष बचेगा, उसके अंत में यदि म हलंत आ जाएगा, तो वह नपुंसक लिंग शब्द होगा। आ और ई यदि रहेगा, तो वह हमारा स्त्रीलिंग होगा। और पुल्लिंग के लिए विसर्ग आन और इन का प्रयोग हो तो पुल्लिंग होगा। लेकिन यदि कोई अव्यय पद है, तो ये उसका रूल फॉलो नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ समझ गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। सबसे पहले हम लोग तल प्रत्यय चलते हैं। तल प्रत्यय, अब इसको आप लोग लिख लीजिए, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। आपको ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े समझने, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। अब आप विचार करिए, अभी मैंने लिखा जिसके अंत में आ रहे या ई रहे, देखिए यहाँ आ है, तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि तल प्रत्यय से बने शब्द, मतलब निर्मित शब्द, तल प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा, बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। बस आपको दो चीज़ें याद रखना है। क्या रखना है? तल का ता शेष रहता है, इससे बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। इससे ज़्यादा आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है आज के क्लास में, और इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी भी नहीं, बस आपको इतना ही सीखना है। अब आप लोग तीन कॉलम बना लीजिए। पहले लिख लीजिए प्रकृति, ध्यान रखिएगा प्रकृति को ही हम लोग शब्द भी बोलते हैं, प्रकृति का ही दूसरा नाम शब्द है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रत्यय, चूँकि तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं, इसलिए हम तद्धित लिख देंगे, या तद्धित से अंत होने वाला शब्द तद्धितांत भी लिखेंगे। या तो तद्धित लिखिए, या तद्धितांत लिखिए, या तद्धितांत शब्द लिखिए, है ना, तद्धितांत शब्द। अब आप देख लीजिए तद्धितांत शब्द है, तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण मिल देते हैं। एक शब्द है बंधु, मतलब होता है भाई, इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे। तो सोच के देखिए, बंधु शब्द को लिख दिए, और मैं आपको दूसरे क्लास से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि जिस प्रत्यय का जो शेष बच जाएगा, वही हम जोड़ देंगे। तो कहते हैं ये तल का ता शेष रहता है, इसमें हम ता जोड़ दिए, क्या बन गया? बंधुता। 2019 पीसीएस यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ उदाहरण है। वहाँ थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ता है, सूत्र भी लिखना है, लेकिन आपको केवल अभी इतना ही सीखना है। बन गया बंधुता, दो तरह से आएगा। बंधुता दे देगा, कहेगा प्रकृति प्रत्यय अलग करें, या बंधु प्लस तल कहेगा तद्धितांत रूप लिखें। बस यही है प्रश्न पूछने का आधार, इसी तरह से पूछा जाता है। आगे चलते हैं, लघु शब्द है, इसमें तल प्रत्यय जोड़िए, बताइए क्या बन जाएगा? लघुता। यदि हम एक शब्द लेते हैं, इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? एकता। यदि हम अखंड शब्द लेते हैं, इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ते हैं, तो बताइए आप लोग क्या बनेगा?
अखंडता। संप्रभु शब्द लेते हैं, संप्रभु शब्द है, इसमें तल प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, संप्रभुता। तो इस तरह से जो हमारा बन रहा है संप्रभुता एकता, यदि हम कदम मधुर शब्द है मधुर, इसमें हम तल प्रत्यय जोड़ दीजिए क्या बन जाएगा, मधुरता। तो हमें लगता है तल प्रत्यय आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं है। यदि हिंदी का कोई शब्द है उसके अंत में यदि ता जुटा हुआ है तो उस ता को तल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, जो बच गया उसको प्रकृति में रख दीजिए, तो बस हो गया। तो ये मत सोचिएगा कि मधुरता एकता गुरुता लघुता ये सब हिंदी का, ये शुद्ध संस्कृत शब्द है। जब हम लोग चलेंगे इसमें विभक्तियाँ भी है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गया, तल प्रत्यय तद्धित प्रत्यय तल समाप्त होता है। अब हम लोग लिखते हैं दूसरा प्रत्यय, चलते हैं तल। तल के बाद हम लोग लिखते हैं वतुप प्रत्यय। वतुप वतुप प्रत्यय का वान शेष रहता है, नोट कर लीजिए, वतुप प्रत्यय का वान शेष रहता है या बच जाता है। अब आप लोग ऊपर देखिए, आन शब्द है, मैंने अभी अभी लिखाया था, यदि आन रहे तो आप समझिए कि वह शब्द पुल्लिंग है। तो आप समझ गए होंगे कि वतुप प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, तो नोट कर लीजिए कि वतुप प्रत्यय से, वतुप प्रत्यय से निर्मित शब्द बने शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बस ये दो बातें आपको याद रखना और कुछ भी नहीं। अब आइए उदाहरण देखिए, ध्यान रखिएगा, वतुप में हलंत है तो आप हलंत लगाइए, तल में हलंत है लौ में तो आपको हलंत लगाना है। उसी तरह से यदि हम ता में कुछ नहीं लिखें तो आपको कुछ नहीं लिखना है। अब आइए उदाहरण के तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वतुप प्रत्यय जैसे प्रकृति के नीचे लिखे धन, नौ में हलंत नहीं लगाना है, प्रत्यय के नीचे लिखे वतुप, तो आप लोग सोचिए धन लिख दिए और वतुप का क्या शेष रहा, वान। तो इसमें आप वान लिख दीजिए, नौ में हलंत लगा दीजिए, धनवान। तो एग्जाम में कैसे आएगा, धन प्लस वतुप क्या बनेगा, धनवान, या धनवान दे देगा, कहेगा प्रकृति और प्रत्यय अलग करा है, बस यही, केवल इतना याद रखना। अगला देखिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं, ज्ञान शब्द है, इसमें हम वतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो आप लोग अब खुद बता सकते हैं क्या बनेगा, लिखते जाइए साथ साथ, ज्ञानवान। उसी तरह से यदि हम गुण शब्द को लेते हैं, इसमें हम वतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, तो हमारा क्या बन जाए, गुण लिख के वान लगा दीजिए, क्या बन गया, गुणवान। यदि हम रूप शब्द लेते हैं और इसमें हम वतुप प्रत्यय लगाते हैं तो रूप लिख दीजिए और इसमें हम वतुप प्रत्यय का वान शेष रहता है उसको जोड़ दीजिए, तो रूपवान। अन्य शब्द लेते हैं, यदि हम विद्या शब्द लेते हैं और इसमें वतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, विद्या लिखे इसके बाद वान लगा दीजिए, क्या बन गया, विद्यावान। समझ रहे हैं, यदि हम यहाँ दया शब्द लेते हैं और इसमें वतुप प्रत्यय जोड़ते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, दया लिख के वान जोड़ देंगे, दयावान। तो आप लोग समझ गए होंगे, वतु प्रत्यय क्लियर हो गया कि तल प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग है, वतु प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग है। इस पर आप लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में शब्द को पहचानने में, शब्द के नॉलेज के लिए, जेंडर के लिए आपको बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आपको प्रत्यय। आइए हम लोग चलते हैं अब अगले प्रत्यय में,
अगला प्रत्यय हम लोग पढ़ते हैं तरप, तरप हलन, ध्यान रखिएगा हलंत यहाँ है, यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी है, तरप प्रत्यय नोट करिए। तरप प्रत्यय का तरह शेष रहता है, तरह शेष रहता है, तरह प्रत्यय का तरह शेष रहता है, शेष रहता है, बच जाता है, जो आपको लिखना है लिखिए। अब आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिस शब्द के अंत में विसर्ग हो वह पुल्लिंग होता है, तो इससे बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, तो नोट कर लीजिए। तरह प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि हम इसमें स्त्री प्रत्यय जोड़ देंगे तो स्त्रीलिंग भी होगा, लेकिन प्रत्यय जोड़ने के बाद उसके बाद नपुंसक लिंग भी बनाने का विधान है, लेकिन मूल रूप में जो हमारा तरप है वह पुल्लिंग ही होता है, बस ये ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो आप लोग दो बातें तरप प्रत्यय देखिए, हम लोग सब में दो दो बातें ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं कि तरप प्रत्यय का तरह शेष रहता है, इससे बने शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, बस मीनिंग अभी आपको ध्यान नहीं देना है, अभी केवल प्रत्यय जोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, जरूरत पड़ेगा मैं बताते जाऊंगा। आइए जैसे लिखते हैं हम लोग, प्रिय शब्द है, इसमें हम तरप प्रत्यय जोड़ेंगे, आप लोग बताइए क्या बनेगा, प्रिय शब्द लिख देंगे, इसमें हम तरह लगा दिए, प्रिय तरह अर्थ होता है सबसे अधिक प्यारा, प्रिय तरह का अर्थ क्या हुआ, सबसे अधिक प्यारा। अगला उदाहरण लिखिए, लघु का अर्थ होता है छोटा, तरप तो आप लोग लिख सकते हैं, लघु लिख के तरह जोड़ दीजिए, लघु तरह, सबसे छोटा, लघुतर का अर्थ होता है छोटा से छोटा। फिलहाल आप कम से कम प्रत्यय सीख लीजिए जोड़ने के लिए। पटु मतलब होता है तेज होशियार, तो क्या बन जाएगा, पटु तरह, सबसे अधिक होशियार। वृद्ध, वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, ओल्ड, तो क्या बन जाएगा, वृद्ध तरह, सबसे अधिक बूढ़ा, है ना, वृद्ध, वृद्ध तरह, सबसे वृद्ध, वृद्ध तरह, सबसे अधिक बूढ़ा। मृदु मतलब होता है कोमल, क्या बन जाएगा, मृदु तरह। उसी तरह से गुरु, गुरु का अर्थ होता है भारी, सबसे अधिक, तो क्या बन जाएगा, गुरु तरह। तो इस तरह से तरप प्रत्यय हम लोग देख लिए, जिसके अंत में तरह हो तरप प्रत्यय होता है, क्लियर है तरप प्रत्यय। तो हमने तीन प्रत्यय देखा, अब आइए अगले प्रत्यय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय नोट करते जाइए, तमप प्रत्यय का तमह शेष रहता है, तमह शेष रहता है। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि तमप प्रत्यय का तमह शेष रहता है, इससे बने शब्द कौन सा लिंग है, जेंडर कौन सा है, तो आप देख लीजिए ऊपर में मैंने लिखा भी दिया है, सामने दिख भी रहा होगा, विसर्ग है तो लिखिए, इस प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, तमप प्रत्यय से बने शब्द पुल्लिंग होते हैं। दो बातें ध्यान में रखना आपको मुख्य रूप से, तमप प्रत्यय का तमा शेष रहता है, इससे बने शब्द पुल्लिंग होता है। उदाहरण हम लोग देखते हैं यहाँ फिर से, जैसे मान लिया जाए हमारा प्रिया है, इसमें हमने तमप प्रत्यय जोड़ दिया,
तो आप लोग अब आराम से स्वतः भी बना सकते हैं और दोनों प्रत्यय का प्रयोग भी सम अर्थ में होता है। जो प्रियतमा का मीनिंग होगा वही प्रियतरा का होगा, और इसके लिए आप जब संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ एक सूत्र मिलेगा तरप तम पौघा, अर्थात तरप और तमप प्रत्यय के संयुक्त रूप को घ कहते हैं। हो सकता है अभी कुछ आप लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जाने दीजिए, फिर हम लोग बाद में देखेंगे। प्रिय प्लस तमप प्रिय तमह, लघु प्लस तमप क्या बन जाएगा लघु तमह, पटु प्लस तमप बराबर क्या आ जाएगा पटु तमह, वृद्ध प्लस तमप बराबर क्या देगा वृद्ध तमह, मृदु तमह, गुरु तमह। आप इसी तरह महत् प्लस तमप महत्तमह, अल्प प्लस तमप अल्पतमह, अन्य प्लस तमप अन्यतमह, उदाहरण देते चले जाइए, बहुत से असंख्य उदाहरण हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल इतना ही सीमित, ये तो केवल मैं आपको एक संकेत मात्र बता रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, फिर भी घर में अच्छी तरह से पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय का नाम सुने होंगे त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, त्वा प्रत्यय का त्वम शेष रहता है, त्वम शेष रहता है या बच जाता है, त्वा प्रत्यय का त्वम शेष रहता है। अब आप लोग सोचिए जिस शब्द के अंत में मो हलंत होगा कौन सा लिंग होगा, नपुंसक लिंग। तो आप खुद लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि त्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या हुआ, नपुंसक लिंग होता है। तो आप ऐसे भी देख लीजिएगा, यदि कोई शब्द है उसमें त्वा जुटा हुआ है तो निश्चित रूप से नपुंसक लिंग होंगे। तो नोट कर लीजिए, त्वा प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग। तो ये ध्यान में रखिएगा, आप आगे भी आपको जरूरत पड़ेगा शब्द रूप के समय भी कि कहाँ कहाँ हमारा होगा। इसका सबसे अधिक प्रयोग आपको मिलेगा शुकनासोपदेश में, यद्यपि आपको हरेक ग्रंथों में है इनका प्रयोग, लेकिन उसमें देखिएगा आपको बहुत प्रयोग है। दूसरी बात, जब हम लोग शब्द रूप में आएंगे और अनुवाद सीखने के क्रम में आप देखिएगा जहाँ आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा वहाँ मैं आपको तरीका बताऊँ कि प्रत्यय का प्रयोग करिए, फिर शब्द रूप चलाइए। आइए जैसे हम लोग देखते हैं यौवन शब्द है, इसमें हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाएगा यौवन। आपको कुछ नहीं करना है, यौवन शब्द लिख दीजिए, इसमें हम त्वम लगा दीजिए, तो ये हमारा पूरा शब्द बन गया यौवनत्वम। उसी तरह से ईश्वर शब्द है, यहाँ आपको इसके अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, समय आएगा तो मैं खुद अर्थ बताऊंगा, प्रयोग भी बताऊंगा जब शब्द रूप में हम लोग विस्तृत रूप में आएंगे। शब्द रूप सबसे आसान है, आप विश्वास करिए, प्रत्यय और धातु रूप से हल्का है। तो ईश्वर शब्द लिख के इसमें हम त्वा प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा ईश्वरत्वम। उसी तरह से यदि हम लिखें शक्ति शब्द है, इसमें हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, शक्ति लिख के त्वम शब्द को जोड़ दीजिए शक्तित्वम। एक शब्द है, इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा एकत्वम। आप ईशावास्य उपनिषद में देखेंगे एकत्वम शब्द का वहाँ प्रयोग है। उसी तरह से आप यदि महत शब्द को लेते हैं, इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा महत्त्वम। उसी तरह से यदि हम अन्य शब्द को लेते जाएं और भी लें, जैसे गुरु शब्द है, इसमें हम त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा गुरुत्वम। तो ये किसी भी शब्द के साथ जोड़ने के बाद वह पूरे को नपुंसक लिंग में बदल देता है, ये ध्यान रखिए। तो
तो मेरे विचार से ये प्रत्यय भी आपका क्लियर हो गया होगा, तो आप प्रत्यय तद्धित में। अब हम लोग आगे एक तरफ चलते हैं, छठा प्रत्यय पढ़ते हैं। छठा प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन इसे ध्यान से देखिए, जो कि हम लोग पिछले क्लास में इसकी थोड़ी सी चर्चा किए थे, लेकिन मैंने बताया था कि जब मैं अगला क्लास लूँगा तो ज़रूर इस पर हम लोग बात करेंगे। वति प्रत्यय नोट कर लीजिए, वति प्रत्यय लिखिए, वति प्रत्यय का वत तो में हलंत शेष रहता है। वति प्रत्यय का क्या शेष रहता है? वत शेष रहता है। आपको ये ध्यान में रखना है, वत तो में हलंत है। अब आप देखिए, इससे बने शब्द अव्यय होता है, लिख लीजिए और इसका प्रयोग भी लिखिए। इससे बने शब्द या निर्मित शब्द क्या होंगे? अव्यय। इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अव्यय किसे कहते हैं। जब मैं अक्त्वा और तुमुल प्रत्यय पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको बता दिया था, जिसका रूप कभी नहीं चलता, कभी बदलता नहीं है, उसी का नाम होता है अव्यय। अर्थात लिंग रहित शब्द हमारा अव्यय कहलाएगा, जो न तो पुल्लिंग हो, न तो स्त्रीलिंग हो, तो न तो नपुंसक लिंग हो, यही हमारा अव्यय है। विस्तृत रूप में देखेंगे बाद में कभी। अब आइए, इससे बने शब्द अव्यय होता है। और लिख लीजिए एक लाइन इसमें, इस प्रत्यय का प्रयोग दिख रहा होगा, इस प्रत्यय का प्रयोग, इस प्रत्यय का प्रयोग के समान, के समान इस अर्थ में किया जाता है, इस अर्थ में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन बातें आई। क्या हमने देखा? कि वति प्रत्यय का वत शेष रहता है, इससे बने शब्द अव्यय होते हैं। अभी तक हम क्या देखे? कोई स्त्रीलिंग हो रहा था तल से, कोई पुल्लिंग हो रहा था, तो कोई नपुंसक हुआ। लेकिन यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, इससे बने शब्द अव्यय होते हैं और इसका प्रयोग भी यहाँ हमें जानना है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे एक शब्द है दुर्जन। आप 2014 के अनसीन पैसेज में देखेंगे तो इसका प्रयोग है, दुर्जन प्लस वति क्या बनेगा? आप लोग बताइए। दुर्जन शब्द लिखे और वति का वत लगा दिए तो क्या बन गया? दुर्जन वत, मतलब दुर्जन के समान, दुष्ट के समान। तो आइए मीनिंग भी लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग की भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो दुर्जन के समान। अब आप देखिए, यदि अनुवाद आपको आ रहा है मोदी के समान, मोदी वत लिख देंगे, प्रधानमंत्री के समान, प्रधानमंत्री वत लिख देंगे। यदि अनुवाद में है, अनसीन में तो आता ही, श्लोक में भी आप प्रयोग देखेंगे सारे जगह, तो इस प्रत्यय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस पर ऐसे प्रत्यय सारे हैं लेकिन फिर भी देखिए। उसी तरह से आप ले लीजिए उदाहरण मातृ, सभी जानते हैं मातृ का अर्थ होता है माता, इसमें वति प्रत्यय जोड़ दीजिए तो बताइए क्या बन जाएगा? मातृ लिख देंगे और इसमें वत लगा देंगे, अर्थ क्या हुआ? माता के समान, मदर, माता के समान। अगला उदाहरण देखते हैं, पितृ शब्द है, इसमें वति प्रत्यय लगाइए, बोलिए क्या बनेगा या लिखिए। और मेरे लिखने के पहले आप लोग लिख लीजिए और फिर मिलान करिए क्या हमने सही लिखा या गलत लिखा। पितृवत, अर्थ क्या हुआ? पिता के समान। उसी तरह से यदि हम कहें लोष्ट, लोस्ट का अर्थ होता है मिट्टी का लौंद या ढेला जिसको बोलते हैं, तो क्या अर्थ हो जाएगा? लोस्ट वत, ढेले के समान, ढेला, ढेले जिसको ढेले
के समान। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यह अन्य क्षेत्र में कुछ और हो, जो मिट्टी का छोटा छोटा गोल गोल होता है उसको हम लोग ढेला भी बोलते हैं, ढेले, तो उस ढेले के समान, अर्थात जो निरर्थक वस्तु एकदम बिल्कुल पड़ी हो। आइए, लोस्ट है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं शत्रु प्लस वती शत्रुवत, मित्र प्लस वती, आपको मैंने पिछले दिन बताया था मित्रवत, तो शत्रु प्लस वती क्या बन जाएगा, शत्रुवत, और मित्र प्लस वती बराबर मित्रवत, मीनिंग होता है मित्र के समान। उसी तरह से हमारा क्या बन जाएगा, शत्रु प्लस वती बराबर शत्रुवत, मीनिंग होता है शत्रु के समान। तो इस तरह से आपने देखा वती प्रत्यय एकदम क्लियर हो गया, इससे बने शब्द अव्यय हो रहा है। याद करिए, मैं पहले क्लास से आपको बार बार बोल रहा हूँ, कहाँ हलंत होगा, कहाँ विसर्ग होगा, कहाँ ये दोनों नहीं होगा, शब्द रूप, धातु रूप और प्रत्यय हमें बता रहा है। आप देखिए, तल में ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, सॉरी, तल ता में जो शेष बचा, वतुप में हलंत है, वन में भी हलंत है, तमप में हलंत है, इसका शेष तम विसर्ग है, त्वा में ना तो हलंत है ना तो विसर्ग है, लेकिन यहाँ मा हलंत है, वती के अंत में जो हमारा शेष बचा वहाँ हलंत है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रत्यय का प्रयोग जो हो रहा है आपके समान के अर्थ में करते जाइए। अनुवाद बना के देखते हैं हम लोग, जैसे हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, हमें रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए, यही तो हमें काव्य शिक्षा देते हैं। काव्य में जो हमें ज्ञान मिलता है कि राम के तरह हमें आचरण करना चाहिए, सज्जन व्यक्ति के समान आचरण करना चाहिए, दुर्जन के तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। आइए, तो हमें का संस्कृत यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, वयम। अब देखिए, राम के समान, यद्यपि इसका और अनुवाद होता है, ऐसा मत है कि केवल यही है, और भी होते हैं इसका अनुवाद, प्रक्रिया है, हम लोग देखेंगे कई विधियाँ होते हैं, लेकिन जो सरल विधि है, आपको एग्जाम में बिल्कुल सरल सरल शब्दों का प्रयोग करना है, जितने आप सरलता लाएंगे उतने आपके लिए अच्छे होंगे, बस कुछ नहीं करना, अभी विभक्ति वगैरह सब मत जोड़िए, प्रत्यय का यूज करिए, राम लिख के वती प्रत्यय लगा दीजिए तो हो गया राम के समान। आचरण करना चाहिए, इनका भी अलग अलग से करेंगे, प्रत्यय भी है और कृदंत में, लेकिन आ उपसर्ग लगा देंगे, चर धातु लिख देंगे, आच और वयम के साथ एमओ लगा दीजिए, बताइए, वयम रामवत आचरेम, हमें राम के समान आचरण करना चाहिए। अब यदि रहेगा हमें रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे आप, वयम रावणवत न आचरेम, केवल यहाँ रावण शब्द में वती प्रत्यय लगा दीजिए, हमें सज्जन के समान आचरण कहते हैं, वयम सज्जनवत आचरेम। उसी तरह से आप कह सकते हैं हमें दुर्जन के तरह आचरण नहीं करना चाहिए, वयम दुर्जनवत न आचरेम। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिएगा और सोचते रहिएगा कि किस तरह से हम इसका अनुवाद में प्रयोग करते हैं। हाँ, चलते हैं अब हम लोग आगे, ये तो मैंने आपको अनुवाद के तरफ बताया, अब क्या इसका श्लोक में प्रयोग है, आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि सर ने तो कह दिया अनसीन में होता है, यहाँ होता है, गद्य में भी होता है, पद्य में भी होता है, तो मैं आपको एक केवल उदाहरण देके यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इसका श्लोक में भी प्रयोग है। आपको यद्यपि मैंने पिछले दिन भी बताया था, जब मैं विधि लिंग पढ़ा रहा था तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि वती प्रत्यय का प्रयोग है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि या तो शब्द रूप होगा किसी भी श्लोक में, या तो धातु रूप होगा, या तो प्रत्यय होगा, इन्हीं तीन चीज़ से निर्मित होते हैं, संधि होगा जुट जाएगा, जिसको हम लोग बाद में देखें, समास भी है, वो भी आपस में शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्द को मिलाते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं
श्लोक हो सकता है इसमें आप लोगों में से बहुतों को याद भी होगा, सुने भी होंगे, नहीं सुने तो अच्छी बात है। पंचतंत्र का यह श्लोक है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, सुने होंगे। क्या है बताइए? मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्व भूतेषु यः पश्यति सपंडितः। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी लोग, जो इस तरह का आचरण करता है वह सभी पंडित है। यद्यपि मैंने श्लोक लिख दिया, श्लोक आप देख रहे होंगे, तो उस श्लोक में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, आपको केवल तीन चीज़ मिलेगा, या तो शब्द रूप होगा, या तो धातु रूप होगा, या तो प्रत्यय होगा। खुद देखिए, अभी अभी मैंने तुरंत थोड़ा देर पहले पढ़ा था वती प्रत्यय, मातृवत मतलब माता के समान, पर का अर्थ होता है दूसरा, दार कहते हैं स्त्री को, महिला लेडी। यहाँ यदि सु लगा है तो उसमें सप्तमी का बहुवचन, जैसे आप लोग कभी सुनेंगे देवेशु रामेशु बालकेशु, है ना, हम लोग पढ़ेंगे, तो सप्तमी का बहुवचन का रूप होता है हमारा। तो दार माने स्त्रियों में, दूसरे के स्त्रियों में हमें माता के समान देखना चाहता था, दूसरी की जो महिलाएं स्त्री हैं उसके प्रति हमें एक माता की तरह भाव रखनी चाहिए, माता के समान देखनी चाहिए। जिस तरह से हम माता में अपनी दृष्टि रखते हैं वैसे हमें रखनी चाहिए, ये पूरा एथिक्स है। फिर देखिए, पर दूसरा, द्रव्य का अर्थ होता है धन संपत्ति मनी पैसे, दूसरे के धनों में लोष्टवत, अभी मैंने बताया मिट्टी के ढेले के समान, दूसरे का जो धन संपत्ति है उसे मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए या देखना चाहिए। आत्मवत, आत्म मन होता है अपना, अपना अपने, वत मन समान, अपने समान अर्थात अपने प्राणों के समान। सर्व सभी भूत, भूत कहते हैं प्राणी को, हम आप सभी भूत हैं, प्राणी हैं, वो भूत नहीं जो हम लोग समझते हैं, भूत का अर्थ होता है प्राणी। इसका गीता में भी प्रयोग है, आपको उपनिषद में भी प्रयोग मिलेगा। तो भूत का मतलब होता है प्राणी, सभी प्राणियों में या सभी प्राणियों पर। यह का अर्थ होता है जो, पश्यति देखता है, लकार है लट लकार, स वह पंडित पंडित है। यहाँ पर हमारा विसर्ग लुप्त है, जब हम लोग संधि पढ़ेंगे तो आपको वह सूत्र मिलेगा, सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा वह विसर्ग लुप्त हो जाता है, हम लोग देखेंगे बाद में। तो अब आप मीनिंग देखिए क्या है, पंडित कौन है अकॉर्डिंग टू पंचतंत्र। पंचतंत्र के अनुसार विष्णु शर्मा कहते हैं पंडित कौन है, है ना, तो बताइए। कहते हैं जो, यह जो व्यक्ति दूसरे के महिलाओं में अपने माता के समान दृष्टि रखता हो, देखता हो, दूसरे के धनों में ढेले के समान दृष्टि रखता हो, या दूसरे के धन संपत्ति को मिट्टी के ढेले के तरह देखता हो, और जो व्यक्ति सभी प्राणियों पर अपने समान दया करता हो, दया दृष्टि, वह पंडित है। सोचिए कितना बढ़िया है यह श्लोक। अब आप देखिए, इस श्लोक में यदि आप देखेंगे तो जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, चाहे वह जीएस हो, निबंध हो, तो वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की यदि कहीं बातें हैं तो उसको वहाँ उस सेंटेंस को लिखने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छे। तो प्रायः आप देखेंगे कि संस्कृत के कोटेशन को, शुक्तियों को बीच बीच में लिखने से आपको अच्छे नंबर अन्य जगह, ये नहीं कहता कि मैं आपको आगे बहुत फ़ायदे होने वाला है, ये मेरा पर्पस नहीं है, लेकिन श्लोक को देखिए वर्तमान में भी कितना प्रासंगिक है। जब आप संस्कृत व्याख्या लिखेंगे, हिंदी व्याख्या लिखेंगे, आशय लिखेंगे, यही तो है कि क्या कहना चाह रहा है कवि, देखिए कितनी प्रासंगिकता है। अभी यदि इस श्लोक को मातृवत परदारेषु इतना ही केवल ध्यान में रखा जाए तो शायद हाथरस कांड नहीं होता है।
इसके पहले आपने देख लिया था कि किस तरह से आज पूरे संसार में, पूरे भारतवर्ष में और सर्वत्र कि किस तरह से हो रहा है। ये दृष्टि रखे तो वो कांड नहीं है, इसी चीज़ को तो हमें बताना है। ये नहीं कि श्लोक है, श्लोक का अर्थ लिख दिया, अन्वय लिख दिया तो व्याख्या हो गया, ये नहीं है। तो सोच के देखिए इसमें कितनी अच्छी बात है। आज हम लोग दूसरे के धन संपत्ति को देखते हैं तुरंत हड़पने का प्रयास करते हैं, नहीं, ये हमें कितनी अच्छी ज्ञान देते हैं। दूसरे को हम लोग कष्ट देने का प्रयास करते, जरा खुद अपने आप को देखिए। तो ये चीज़ें हैं संस्कृत में। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, खैर फिलहाल जब हम लोग लिटरेचर में चलेंगे तो आपको मैं बताऊँगा किस तरह से उसका है। लेकिन मैंने आपको ये बताया यहाँ कि यदि आप श्लोक भी पढ़ेंगे तो श्लोक में यही तीन चीज़ देख लीजिए, प्रत्यय मातृवत, पर्दारेशु सप्तमी बहुवचन शब्द रूप, परद्रव्येशु सप्तमी बहुवचन शब्द रूप, लोष्टवत फिर प्रत्यय, आत्मवत प्रत्यय वति प्रत्यय, सर्वभूतेषु शब्द रूप, यह शब्द रूप, पंडिता शब्द रूप, सब शब्द रूप, बेसिक चीज पहले क्लास में सह, अपश्यति, पश्यति में आपको पता है कि मूल धातु दृश है, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। तो पता चला कि संस्कृत में श्लोक में कितना महत्वपूर्ण स्थान है प्रत्यय का। तो मैं आपको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही तीनों चीज़ आप लोग को तो कभी कभी लगता होगा कि क्या पढ़ा रहा है प्रत्यय, क्या पढ़ा रहा है ये, लेकिन इसका प्रयोग कितना है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या अनसीन पैसेज में कैसे कैसे आएंगे, यद्यपि हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यदि इससे कभी सवाल आ जाए अनसीन में, यदि हम आपको ऐसे पूछें कह पंडिता है, और इसी में मैं आपको कहते कहूँ कि इसमें तीन चार पंक्ति सु लिखिए, तीन चार पंक्ति सु लिख दो, इस तरह से रहता है अनसीन पैसेज में, तीन चार पंक्ति सु लिख दो। यदि आप ग्रामर जानेंगे तभी आप अच्छे तरह से अनसीन पैसेज बना पाएंगे। ये नहीं कि छठी सातवीं के अनसीन पैसेज का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें अच्छे नंबर की कल्पना कर लेंगे। अब आइए देखिए, लिखता शब्द है, सोच के देखिए आया, यदि आपको लकार याद नहीं होगा ना तो प्रश्न भी नहीं समझ पाएंगे। लिखतो लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन याद होगा, क्या अर्थ है, तीन से चार पंक्ति बनाना है। अब कोई है अभ्यर्थी वो क्या कहता है, कह पंडित है भाई दो शब्द है, किसी ने श्लोक ही पूरा लिख के आ गया, कितना नंबर देगा, एक श्लोक पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दो नंबर आएगा। और आपको कम से कम इसमें कितने बनाने हैं, तीन पंक्ति बनाना है। तो तीन पंक्ति बनाने का तरीका सीखिए तभी आपको पांच नंबर। कैसे बनाएंगे तो इस पर हम लोग कभी एक विस्तृत परिचर्चा करेंगे, अनसीन पैसेज कैसे उत्तर लिखें मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल चूँकि मैं थोड़ा विषयांतर हो जाऊँगा इसलिए संक्षिप्त में बता देता हूँ कि यदि लिखेंगे मातृवत पर्दारेशु यह पश्यति सौ पंडिता एक लाइन, परद्रव्येशु लोष्टवत यह पश्यति सौ पंडिता दूसरा लाइन, आत्मवत सर्वभूतेशु यह पश्यति सौ पंडिता तीन लाइन। तो ध्यान रखिएगा, दो डेढ़ डेढ़, अर्थात टीचर के पास यह स्वतंत्रता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में हुआ दो नंबर देगा, शेष में डेढ़। खुद आप टीचर बन के देखिए यदि आप रहते तो कैसे आप नंबर देते उसमें। तो मित्रों मेरे विचार से आज जो मैंने प्रत्यय पढ़ाया इतना काफ़ी है, और फिर हम लोग कल जो हमारा तद्धित प्रत्यय है जिसका प्रयोग अनसीन पैसेज में है श्लोक में, कल और हम लोग चर्चा करेंगे। आप लास्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ हलंत था, कहाँ कहाँ विसर्ग था, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ है। इस पर यदि ध्यान नहीं दीजिएगा तो अच्छे नंबर प्राप्ति की संभावना बिल्कुल ही नहीं होगी। आप थोड़ा ध्यान रखिए, तल का ता शेष रहता है इससे बने शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, वतुप का वान शेष रहता है इससे बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, तरप का तरह इससे बने शब्द पुल्लिंग, तमप का तमस शेष रहता है इससे बने शब्द पुल्लिंग होते हैं, और वति का वत शेष रहता है इससे बने शब्द अव्यय होते हैं, और इसका प्रयोग के समान के अर्थ में। तो फिर हम लोग आगे अनुवाद में भी देखेंगे, अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में। तो मेरे विचार से आज तक आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। तावत शुभमस्तु, पुनः मिलिष्यामः, धन्यवाद।